माँ एक कप चाय बना दो ना। क्यों, तेरे हाथ नहीं है क्या? सारा दिन घर पर बैठ बैठ के मोबाइल चलाता रहता है और ऑर्डर तो ऐसे करता है जैसे कहीं का नवाब। पिंकी मेरी शर्ट प्रेस कर दे, मुझे बाहर जाना है। क्या भैया, आप हर टाइम बस ऑर्डर देते रहते हो, खुद कोई जॉब तो करते नहीं हो, कम से कम खुद का काम तो खुद कर लिया करो। हर टाइम बस बैठ के ऑर्डर देना है, सुपर डिपेंड रहना है। अरे भैया आप आ गए, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे रुक दो, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, पता कैसा है? वाह भैया, ब्यूटीफुल ड्रेस, थैंक यू सो मच भैया। मुझे पता था तुझे पसंद जरूर आएगा। भैया मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो, दिखाओ ना। तुझे शर्म नहीं आता गिफ्ट मांगते हुए? किस खुशी में मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊं? घर में मुफ्त की रोटी तुझे तोड़ने को मिल रही है, वही तेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। भैया मेरी सारी जींस पुरानी हो गई है, मैंने कहा था आपसे एक जींस दिलवा दो ना। इस वक्त तुझे मेरे साथ घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में हाथ बटाना चाहिए, लेकिन तू है कि बेशर्मों की तरह जींस मांग रहा है। अगर इतने बड़े शौक पाले है ना तो उसे पूरा करने के लिए पैसा भी कमाना सीख ले, हर टाइम भीख मांगते रहता है बस। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बना दो। बना कर तो रखा है, खा ले लेके खुद, या फिर बना बनाया खाना लेने में भी तेरे हाथ टूट रहे। माँ आप मेरे लिए गरम रोटी बना दो ना। तू कहीं का नवाब है जो तेरे सामने 56 भोग परोसूं? काम करना काज का दुश्मन अनाज का, तेरे से आधी उम्र के लड़के भी कमाकर अपने मम्मी पापा को पैसा दे रहे, तू हम पे ही बोझ बना हुआ है। खाना है खा, वरना मत खा। माँ मैं काम ढूंढ रहा हूँ। पिछले 5 सालों से यही सुन रही हूँ, पता नहीं वो दिन कब आएगा जिस दिन तू सही में काम करेगा। मेरे सर पर पड़ना था ये काम छोड़। अरे भैया आप आ गए, लो पानी। मैं आपके लिए चाय बनाकर लेके आती हूँ। बेटा तू चाय पीकर फ्रेश हो जा, मैं गरम गरम खाना बनाकर लाती हूँ। भैया लो चाय, और मैंने कल के लिए आपका शर्ट प्रेस कर दिया है, आपको अगर दूसरा कुछ पहनना होगा तो बता देना, मैं वो भी कर दूँ। नहीं नहीं तूने जो प्रेस की है मैं वही पहन लूंगा। आ गया भाई ऑफिस से। देख मैं तेरे लिए क्या लाया, 2 शर्ट और 1 जींस, पहन के बता कैसा लगेगा तेरे पे? ये तेरे पे खूब जचेगा, मेरा भाई इसमें हीरो लगेगा, हीरो। क्या हुआ बेटा तू खुश नहीं लग रहा है? क्या हुआ, अगर तुझे पसंद नहीं आया तो बोल, मैं चेंज करवा देता हूँ। उदास क्यों है? नहीं भैया कपड़े अच्छे हैं। अगर अच्छा है तो उदास क्यों है तू? हाँ भैया एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई कि पैसे में बहुत ताकत होती है। जिसके पास पैसा नहीं है ना कोई उसकी इज्जत नहीं करता है, और जिसके पास पैसा होता है सब उसे सलाम ठोकते हैं, उसे बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो पानी हो या गर्म खाना। घर में खाली बैठे लोगों को 2 वक्त की रोटी भी तानों के साथ मिलती है, अनाज का दुश्मन, धरती पर बोझ, और ना जाने क्या क्या सुनना पड़ता है। आज इस घर में सबसे ज्यादा मैं कमाता हूँ, इसलिए सबसे ज्यादा इज्जत भी मुझे ही मिलती है। पर ये इज्जत मुझे नहीं दी जाती है, ये इज्जत मेरे पैसों को मिलती है।
खैर छोड़ो। माँ ये लीजिए इस महीने की पूरी सैलरी।